Um, before I uh, go into the Bhima Korean case, I just wanted to have, make two observations. The first is uh, about Ebru Timtik. Now this name may not be known to most of the people. Okay? But who is Ebru Timtik? Ebru Timtik was a human rights lawyer. Part of Progressive Lawyers Association in Turkey. Yeah. She died yesterday. Okay. Uh, she died because she had gone on a hunger strike. Uh, she had gone on a hunger strike because she, along with 18 lawyers, were charged under the terrorism law of Turkey. These 18 lawyers were charged with terrorism law. A mock trial was conducted appeal was not even heard they were convicted and she went on a hunger strike saying that this is ridiculous this can't happen this kind of, this kind of uh, trial is ridiculous i am not part of any terrorist organization i am a part of progressive lawyers association uh, when initially she was released on sought to be released on bail the judge was transferred i guess one can uh, रिलेट बैक टू व्हाट इज बिप वॉट इज है जज ट्राइज टू हेल्प नो दिन हमें ये संकल्प करके यहां से निकलना है कि हमा, हमा, जो हमारे साथी है जेल में दिल्ली में हो नागपुर में हो या बंबई में हो या तलोजा में हो उनकी कभी भी हम एब्रू तिमतिक जैसी हालत नहीं होने देंगे

An easy way यूजिंग I'm, I'm, I'm to इजी people like टू किल गौरी लंकेश और दाभोड़कर बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि यू आर साइलेंसिंग वन पर्सन लेकिन जब आप कॉन्स्पिरसी का केस बना के लीगली उनको क्रश करने की कोशिश करते तब तो आप एक व्यक्ति को अटैक नहीं करते पचास व्यक्ति को अटैक कर सकते हैं हंड्रेड यू कैन अटैक हंड्रेड पीपल एंड दिस इज वॉट आई कॉल लीगल वायलेंस एक्स्ट्रा लीगल वायलेंस गौरी लंकेश पे होता है कश्मीर में होता है और कई जगह पे होता है लेकिन ये जो वायलेंस का जो मेथड उन्होंने जो बीमा कोरेगा दिल्ली, दिल्ली के जो केस है अभी चल रहे हैं उसमें दोज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ

जब वहां पेशवा और दलितों की और ब्रिटिश फोर्सेस की जो लड़ाई हुई थी उसमें दलितों जो मा, मार्टर्स हुए थे उसके बारे में तो 31 दिसंबर 17 को ये एल्गार परिषद हुई एक जनवरी 18 को फर्स्ट जनवरी 18 को वायलेंस होता है और ये वायलेंस दलितों के ऊपर होता है दलित नहीं कहते दलितों के ऊपर ये वायलेंस होता है और दो जनवरी अठारह को पुलिस एफआईआर आई लॉन्च करती है अमिता सावले अनीता सावले है जो एक औरत है दलित औरत है उन्होंने और भिडे का ये दो राइट विंग ऑर्गेनाइजे हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स है ये दोनों के नाम दिए जाते हैं और ये एफ आई लॉन्च होती है एक बोटे और भिडे के खिलाफ एज अ काउंटर ब्लास्ट On 8th January uh, 2018, an FIR is lodged which is now become the big FIR in India. That is FIR number 4 of 18 uh, in Pune, which is against six persons. Okay. और वो FIR, जिस FIR के ऊपर ये सब को arrest किया है, वो ये FIR है, uh, eight uh, four of 2018 जो 8 January को lodged होती है. और वो FIR में छह लोगों के नाम दिए जाते हैं. और उनके ऊपर एक चार्जेस क्या है कि आपने कुछ प्रोवोकेटिव स्पीचेस एलगार परिषद में दी थी इसलिए ये वायलेंस हुआ ये चार्ज थे अभी ये जो एक बोटे है वो कोर्ट में जाता है कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दो कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट एफिडेविट दाखिल करती है दे फाइल इट फाइल्स एन एफिडेविट द स्टेट गवर्नमेंट फाइल्स एन एफिडेविट इन द कोर्ट And saying that no, no, this Ekbote and Bide were responsible for the riots. There is no question of giving anticipatory bail. This is the affidavit filed by the Maharashtra state government, run by the NDA in January to in, in February 2018 in Supreme Court of India. Okay, this is the affidavit which they filed. Okay. I guess immediately thereafter, there is some change in the planning, in the method.

सी का केस आता है फिर सुरेंद्र गडलिंग और रोना आ, विल्सन का नाम ऐड किया जाता है फिर 17 अप्रैल को सबके घर पर तलाशी होती है 17 मे को मई को 17th में दे ऐड सेवनटीन यूएपीए चार्जेस अगेंस्ट 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 दिस पीपल, 6 जून 18 इज द फर्स्ट फर्स्ट अरेस्ट ऑफ फाइव पीपल सुरेंद्र गडलिंग रोना विल्सन सुधीर धवले एंड सर्च एंड अरेस्ट ऑफ शोमा एंड महेश तो ये लोग छह जून को अरेस्ट किया जाते हैं अभी इसमें ध्यान इसमें जून को उसके बाद ये पहली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि पुलिस मीडिया को लेटर्स लीक करती है जो ये लोग के कंप्यूटर से मिले हैं ऐसा उनका कहना है पुलिस को उसमें एक खास लेटर है फेब्रुवरी अठारह का वो लेटर लिखा गया है प्रकाश को कॉमरेड प्रकाश को फेब्रुवरी अठारह में लिखा गया है लेटर प्र, कॉमरेड प्रकाश को कि आ, प्राइम मिनिस्टर को कैसे एसेसिनेट किया जाए अभी ये कॉमरेड प्रकाश कौन है मैं नहीं कहता हूं सेशंस कोर्ट कहती है सेशंस कोर्ट कहती है कि कॉमरेड प्रकाश साई बाबा है सात फरवरी जब ये लेटर लिखा जाता है तो कॉमरेड प्रकाश यानी साई बाबा कहाँ है वो जेल में है 2017 से साई बाबा जेल के अंदर है हु? तो ये, ये और साई बाबा इज 90% परसेंट डिजेबल्ड ही इज अनेबल टू गेट आउट ऑफ हिस्स बेड फॉरगेट राइटिंग लेटर लेंथी लेटर्स एंड रिसीविंग लेंथी लेटर्स इन इन जेल ओके सो दिस इज हाउ द होल सो कॉल्ड दिस दिस इज द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस विच द पुलिस क्वालिटी ऑफ द एविडेंस विच द पुलिस टू थाउजेंड एन सिक्स न्यू पीपल वरा वराव वरा अरुण वर्णन सुधा गौतम आनंद तब अरेस्ट नहीं होता है लेकिन रेड करने की कोशिश uh, की जाती है पहले हाउस अरेस्ट होता है फिर वृंदा ने जैसे बताया यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली बोलती है नहीं, नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेटर पढ़ते हैं जो इनका कहना है कि हमको कंप्यूटर से मिला है वो लेटर पढ़ते हैं और उसमें उसमें इतना लिखा गया होता है कि इसमें इस तरह के लैंग्वेज यूज की गई है सुधा जो अमेरिका में बड़ी हुई दिल्ली में पढ़ाई की और छत्तीसगढ़ में जाके आ, सेटल हुई वो मराठी वर्ड्स यूज करती है उतने मराठी वर्ड्स मुझे भी नहीं है। आते हैं मैं बम्बई में पैदा हूँ बम्बई में पढ़ा हूँ मुझे भी नहीं आते उतने मराठी वर्ड्स लेकिन सुधा बहुत इतनी अभी इतनी जीनियस है तो मराठी भी सीख सकते है ना तो आ, आ, आ गई है उसको मराठी तो जस्टिस चंद्रचूड बोलते हैं कि ये लेटर सुधा का लिखा हुआ हो ही नहीं सकता है लेकिन वो माइनॉरिटी में है तो उनकी बात को बाजू में रख दीजिए तो वो गई वो गई बात उसके बाद सबको अरेस्ट किया जाता है पहले तो हाउस अरेस्ट था अभी अभी हाउस अरेस्ट से अरेस्ट होता है फिर चार्जशीट फाइल होती है सबके खिलाफ आनंद और गौतम जो तब तक बाहर थे उनको अप्रैल 2020 में फाइनली अरेस्ट किया जाता है क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल जिसको हम बोलते हैं व्हाट वी कॉल एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट अवेलेबल अंडर यूएपीए एंड दैट्स व्हाई Uh, they are also arrested. Okay. Bail applications are filed, bail applications are rejected. A lot of applications are filed for COVID bail, saying that look, most of these people are above 60 years, they are suffering from comorbidities, release them. No, that's not given. Okay. And on what basis? On the basis of some 10 or 15 so called letters, please understand. Okay. It is not even the police's case or, or, or the NIA's case that there were arms found with, with them. It is not their case that any bombs were found with them. It is not their case that any letters signed by anybody were found with them. It is not their case. Okay. That any emails were found with them. Okay. What is found? Some letters, typed letters, unsigned letters.

शायद प्रशांत उसकी बात करेगा जब वो बात करने वाला है लेकिन वो ना करे तो मैं कर, कर लू कि जब, सहारा द, आ, फाइल्स जब मिले जिसमें ना जिसमें लिखा गया था कि तबके गुजरात के चीफ मिनिस्टर को यानी वो कौन थे आप सबको पता है तबके गुजरात के चीफ मिनिस्टर को इतने करोड़ रुपये दिए गए इतने करोड़ इसको इतने करोड़ रुपए दिए गए तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं ऐसी एंट्रीज ऐसे आईसी कागजात के ऊपर हम किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं बिठा सकते कन्विक्शन या अरेस्ट का तो सवाल ही नहीं है लेकिन इसमें वैसा ही कागज मिला गया ये इसमें आ, अपने ये केस में उसमें तो कम से कम अकाउंट्स की एंट्रीज थी इसमें अकाउंट्स की एंट्रीज भी नहीं है लेकिन इस कागज के ऊपर दो साल तक आप लोगों को अंदर बंद करके रखते हैं इस तरह के कागज के ऊपर तो सवाल और 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 अब और उतना ही नहीं जैसा पहले भी बताया वृंदा ने और लारा ने भी बताया कि अब ये जो है चीज अब ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी स्प्रेड होती जा रही है आज के दिन में कई लोगों को कई वकीलों को कई एक्टिविस्ट को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए ने कई लोगों कई, कुछ, कुछ लोगों के यहाँ रेड हुई है पता नहीं है आज हमको कि वो कब कौन किसको अरेस्ट अरेस्ट करेंगे और एक बार किए तो सालों के लिए अंदर गए क्योंकि UAPA का पर्पस ही वही है मेरे ख्याल से मैं UAPA बात नहीं करूंगा वो आ, रिबेका करने ही वाली है तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा बट द पर्पज ऑफ यूएपीए पर्पज ऑफ दैट्स पीपलिबल थिंग

वो उसके नाम डिक्लेयर नहीं करते हैं जब आपको पकड़ते हैं अंदर लेके जाते हैं फिर आपको बताते हैं कि आप यह ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं हम उसको फ्रंटल मानते हैं हो सकता है कल आरएसएस को भी कोई यानी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन माना जाए कुछ यानी एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैन बी ट्रीटेड एज फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसा इसमें किया है

कि ये जो पूरी एक चाल है एंड यू सी द एंड पहले स्टेट uh, गवर्नमेंट पहले उन्होंने कहा सेंट्रल uh, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कहा सु, सुप्रीम कोर्ट में कि जो इन्वेस्टिगेशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कर रही बरोबर है वो बराबर है परफेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा परफेक्ट है इन्वेस्टिगेशन हमको हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बदलने वाले नहीं है तो फिर है को क्यों लाए आप आप एक टाइम एक बोलते हैं कि ये ये बहुत बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप एनआईए को क्यों लाए चल रहा था ना इन्वेस्टिगेशन तो एनआईए को क्यों लाए लेकिन एनआईए को इसलिए लाए कि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू मेक दिस इन अ बिग केस बियॉन्ड एनी स्टेट बॉर्डर्स अ नेशनल केस एंड वी डोंट नो दे नाउ दे आर इवन इट वी बी मेड इन इंटरनेशनल केस बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फंडिंग दे आर टॉकिंग अबाउट

playing with the liberty of people okay? allowing the central government to get away with anything they want to do okay? And that is something which I think we all should uh, because this is this is this is not the end of the matter this is not the end of Wala. this is just the beginning as far as this particular government is concerned. They are going to they are going to expand as much as possible. ये uh, शेर को जब uh, ये खून चख जाता है ना तो तो फिर वो देले इट बिकम्स यू नो मैन हिटर और व्हाटएवर दे कॉल इट और वुमन हिटर टू बी पॉलिटिकली करेक्ट बट बट द पॉइंट इज दिस दैट इट्स लाइक दिस उन्होंने बिनायक के केस में साई बाबा के केस में दे दे टेस्टेड ब्लड एंड नाउ दे आर गोइंग ऑल आउट They are making the victims the accused, like it has happened in, the, in 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 Delhi. Okay, they are doing the same thing as uh, in in Bima korega And if we do not come together, and if we do not fight this, okay, these battles have to be uh, fought on the street primarily. Okay, but if uh, and also in other places, we can't give up the spaces in courts and all that. We have to fight uh, fight our battles at every every space which is available to us. Yeah. And if we do not um, do not fight these battles very strongly, I think we are in for a very bad time. But I am an eternal optimist, so I think that uh, uh, looking at the numbers right now, Abhijit has uh, his work cut out. Uh, it's already four thirty-six, and uh, he might have to expand it beyond five hundred if uh, if this goes on. Uh, the, num and the the people who are participating. So I'm really very happy that so many people have joined today. Uh, let's give a given given elgar is a clarion call. El, elgar, uh, so let's give a give a clarion call today at the end of the meeting to continue this battle with as much as much effort as we need to put into it. Because this is like a final battle. So let's let's continue with that. Thank you very much.